और मैं खुद आपसे सर मिला हूँ। जब मुझे एक परेशानी आई तो आपने मेरा संरक्षण किया और मैं अपने लोगों की आजाद आवाज हूँ सर। मैं आपसे संरक्षण की अपील करता हूँ। हमारे लोग बहुत बुरी हालात में हैं सर वहाँ, और अगर हमें मौका नहीं मिलेगा सर, हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। हम अपने पंजाब और पंजाबियों के लोगों की आवाज उठाने के लिए जब मैं यहाँ पे खड़ी होंगी, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ सर, हमें भी आप मौका देंगे। पहले मौका नहीं दिया आपको? पहले मौका नहीं दिया आपको? सर मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोकसभा के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। सर बहुत सारे सदस्यों ने आपकी तारीफ की और मैं खुद आपसे सर मिला हूँ। जब मुझे एक परेशानी आई तो आपने मेरा संरक्षण किया। सर हम नई पार्टी हैं और मैं अपने लोगों की आज़ाद आवाज़ हूँ सर। मैं आपसे संरक्षण की अपील करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप संरक्षण करेंगे सर। सर मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, प्रकृति आपको लोकतंत्र की रक्षा करने की जो है ताकत प्रदान करे। साथ साथ सर मैं पूरे सदन को आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती, उसके लिए भी बधाई देता हूँ सर। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ सर, हमारे लोग बहुत बुरी हालात में हैं सर वहाँ, और अगर हमें मौका नहीं मिलेगा सर, हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो आपसे संरक्षण की अपील, और पुनः आपको बधाई और सभी सदस्यों को बधाई सर, धन्यवाद। ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी शिरोमणि अकाली दल, आई राइज टू कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेसफुल इलेक्शन एज स्पीकर फॉर द सेकेंड टर्म। सर एक छोटे से राज्य की छोटी सी रीजनल पार्टी का एक लौता मेंबर जो चौथी बारी यहाँ पहुँचा है, मैं इस सदन में खड़े होके मैं इस चीज़ का फिक्र करती हूँ कि जहाँ इस हाउस में मैंने पिछले इलेक्शन में देखा कि कई ऐसी पार्टियाँ जो राज्य में एक दूसरे के साथ बड़ी डिफरेंसेस रखती हैं, लड़ती हैं, लेकिन इधर पहुंचने के लिए समझौते कर बैठी हैं। भाषण बाद में देना। और सर कई ऐसे लोग जो काफी समय से एक साइड से अब वो कुर्सी के खाते धर पहुंचे। सो सर मेरा कहने का मतलब कि जब मैं एक रीजनल पार्टी की इकलौती महिला मेंबर जब यहाँ पे हूँ, मुझे इस चीज का फिक्र है कि ना हम इस तरफ तो ना हम इस तरफ, लेकिन हम अपने पंजाब और पंजाबियों के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जब मैं यहाँ पे खड़ी होंगी, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ सर कि आप हमारे छोटी पार्टियों की तरफ, छोटे कम्युनिटीज़ की तरफ, माइनॉरिटी की तरफ भी आप वही निगाह के साथ जैसे आप बड़ी पार्टियों को देंगे, हमारे आरक्षण भी आप करेंगे, हमें भी आप मौका देंगे, और जितना पहले करते थे उससे थोड़ा ज़्यादा करके प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को आप जिंदा रखेंगे कि छोटी पार्टी चाहे होए, अकेला मेंबर चाहे होए, लेकिन लड़ाई उतनी ही तगड़ी होती है जितनी बड़ी पार्टियां लड़के, शायद उससे ज्यादा होती पहले है। मौका नहीं तो दिया लड़के जब इधर पहले मौका नहीं दिया आपको? सॉरी सर, पहले मौका नहीं दिया गया आपको? नहीं सर, इस बारी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले से थोड़ा ज्यादा मौका दे दीजिए, ठीक है? क्योंकि एक महिला होने के नाते चौथी बारी पहुंची हो आप हमारा ध्यान रखेंगे, तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और आपकी प्रोटेक्शन का, पूरा आरक्षण का मैं पूरा आस भी रखती हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं।